अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो ये रहा मेरा ब्राइडल शूट। आज मैंने आपको ब्राइडल मेकअप आपके साथ शेयर करना है। बिफोर आफ्टर लुक आप देख लो अच्छे से। सो सबसे पहले हमने अप्लाई करने होते हैं लेंस, क्योंकि लेंस लगाने के बाद आइज से जो पानी वगैरह निकलना होता है ना, तो वो बेस ख़राब ना करें। ठीक है, यहाँ सबसे पहले मैंने अप्लाई किए हैं लेंस। उसके बाद मैंने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मैंने प्राइमर लगाना है। ठीक, अप्लाई आपको मैं इंशाल्लाह प्राइमर के बारे में भी डिटेल से वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। सो मैंने यहाँ प्राइमर लगाया। प्राइमर को जस्ट 5 मिनट 6 मिनट वेट किया करो, उसके बाद आप लोग स्टार्ट किया करो मेकअप। मैंने यहाँ पर ऑरेंज करेक्टर से जो डार्क एरियाज थे उन्हें करेक्ट किया है, तो ज़्यादा कुछ नीड नहीं थी। स्किन अच्छी थी, क्लियर थी, तो अच्छा लुक आ रहा था। ठीक है, तो मैंने देखें जस्ट ऑरेंज करेक्टर से करेक्ट करके और मैंने अपनी बेस अप्लाई करना स्टार्ट कर दी। ब्राइडल मेकअप था तो मुझे स्टिक लाजमी यूज़ करनी थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रायलोन का जो रिज़ल्ट है, तो मैं यूज़ करती हूँ। जस्ट मैंने 38 नंबर लाइट सा लगाया, और यहाँ देखें मैंने ये 2 फाउंडेशन आपके सामने यूज़ किए। और प्रोडक्ट्स ज़्यादा ना दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग फिर ये सोचते हैं कि यही होंगे तो हम ये काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग जस्ट टेक्निक को फॉलो किया करो और काम आप भी अच्छे से अच्छा कर सकते हो। तो मैंने यहाँ गबरीनी की और मुसरत मिसबाक की फाउंडेशन को दोनों को मिक्स करके जो है यहाँ इनका शेड बनाया है। सो मैंने नेचुरल लुक रखा है, बहुत ज़्यादा मैंने फेयर पे नहीं लेके गई। और ब्रश के साथ मैंने अच्छे से पूरे फेस पर, नेक पर जो है फाउंडेशन अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपको जिससे भी मतलब इजी रहता है ना, मुझे इस तरह के पफ से इजी रहता है, तो मैं इससे ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपको दूसरा कुछ अगर हाथ में सूट करता है तो आप उससे भी आप ब्लेंडिंग कर सकते हो, मुझे ये इजी रहता है। तो इस तरह से मैंने हल्के हल्के डैबिंग मोशन में बहुत लाइट प्रेशर हवा में हाथ रख के बेस की जो ब्लेंडिंग होती है वो करनी होती है, और हमने ज़्यादा जो है ज़ोर नहीं मारना होता। ठीक है, उसके बाद मैंने अप्लाई किया है लूज़ पाउडर क्रिस्टाइन का। मैं यहाँ पर देखें जो जो एरियाज होते हैं ना, जहाँ पर क्रैक हो जाती है जो हमारी बेस होती है, जो मसला करती है, तो मैंने जस्ट उन एरिया पे लगा के और अच्छे से उसे इसी तरह से छोड़ दिया। अब मैंने आइस को किया है कंसीलर के साथ कंसील, ताकि मैं आइस मेकअप स्टार्ट करूँ जब तक मेरी बेस थोड़ी सी सेट हो जाएगी। तो यही टेक्निक फॉलो करना तो आपको भी रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। ये रहा मेरा आई शेडो पैलेट। तो मैंने यहाँ सबसे लाइटर शेड मतलब ऑरेंज शेड या थोड़ा सा पीच शेड उठाना है, और मैंने आइस के साथ आइस की कंट्रोलिंग कर लेनी है। ठीक है, जो मैंने क्रीज लाइन है वो अच्छे से इन्हेंस करके और ब्लेंडिंग के साथ बनानी है। ठीक है, मैंने देखें पहले ऑरेंज शेड को अच्छे से लगाया, रखा, ब्लेंड किया, देन मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लिया और इसे इसके साथ मर्च किया। इनका जो लहंगा था वो मेहरून था, तो मैं बहुत ज़्यादा मेहरून चाह नहीं रही थी, बट मैंने मेहरून गोल्डन दोनों के साथ ही काम किया। उसके बाद मैंने जो है इंटरफेरेंस होता है, इस सभी जानते होंगे इस नाम को, तो खैर अब सब पहचानने लगे हैं। पहले इतना ज़्यादा ये चीज़ें हमें समझ नहीं आती थी, अब तो खैर आसानी से समझ आ जाती है। इसे हम वेट करके लगाते हैं, तो मैंने यही ब्रोबोन पर भी लगाया है, इनर कोन पर भी लगाया है, और आई बॉल पर भी मैंने इंटरफेरेंस का ही यूज़ किया है। ये वेट करके लगाते हैं, आप ब्रश वेट कर लो या जस्ट इसके ऊपर भी पानी स्प्रे करके और फिर इस तरह से इसे वेट करके अप्लाई कर देते हैं। बट इस चीज़ का ख्याल रखना, जब ये लगाओ तो आइस को खोलना या बंद करना नहीं, मतलब फ्रीज हो जाता है। ठीक है, ये ऊपर से लाइन बन जाती है। इसके बाद मैंने रफली लाइन बनानी है, ताकि मैं जो है लैशेस कैरी करूँगी तो वो अच्छा लुक आए। आईब्रो जो है मैं फिलअप कर रही हूँ आपके सामने एक्वा कलर के साथ, एक्वा ब्राउन कलर मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। और अगर आपको आईब्रोज़ की डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी शेयर की है। सो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूँगी, ताकि आपको ईजीली वो वीडियो भी मिल जाए, तो आप ज़रूर वो चेकआउट कर लेना। उसके बाद हमने सारा जो पाउडर है वो डस्ट आउट करना है। अब आती है कंटूरिंग बारी, तो मैं ब्रश रख के आपको इजीली समझा रही हूँ कि यहाँ इस कान की इस जगह से जो है ना कंटूर किया जाता है। इनका फेस बहुत ही छोटू सा था, इतनी कोई नीड नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा कंटूर करूँ, तो मैंने जस्ट लाइट फीचर जो है इन्हेंस किए, बहुत ज़्यादा शार्प जो है कंटूरिंग नहीं की है। सो ये देखिए, अब मैं आ जाती हूँ नोज़ कंट्रोलिंग पे। यहाँ पर भी मैंने बहुत लाइट सा जो है प्रोडक्ट उठाया है और वो लगाकर यूज़ किया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये चीज़ें एक एक करके डिटेल के साथ आपको समझाऊं, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में आप मुझे बताना, सजेस्ट करना, तो मैं ये काम भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैंने यहाँ यूज़ किया है ब्लश। आप
आपके पास जो है वो आप यूज़ करना, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये यूज़ करना है। ठीक है, मैंने यहाँ इन्हें एप्पल जो ब्लश है वो अप्लाई किया है। इसके बाद आ जाती है हाइलाइटर की बारी। मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया, देन मैं अब करूँगी लैशेस। ठीक है, मैं लैशेस यूज़ कर रही हूँ, 3D लैशेस ग्लू अप्लाई करने के बाद, और मैंने इनकी आइस पर लगा दी। और जब आइस पर आप रख दो तो जस्ट उसको छोटे से ब्रश के साथ या पिन के साथ अच्छे से प्रेस प्रेस कर दिया करो। बहुत ज़्यादा प्रेशर ना देना यार आइस का मामला, ऐसा ना हो कुछ लग जाए। तो हल्के हल्के से प्रेस करो और उसके ऊपर आप जस्ट आराम से लाइनर लगा लो। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह लाइनर की भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, और ऑलरेडी है भी मेरे चैनल पे, आप वो भी देख लेना, तो आपको उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ मेरा लाइनर का जो लुक था वो पूरा हुआ। अब मैं आ जाती हूँ, जो मुझे आउटर कॉर्नर थे वो हल्के से जो शार्प करने थे ब्लैक शेडो के साथ, तो मैंने छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और उसके साथ मैंने यहाँ इस तरह से अच्छी सी डेप्थ दिया है इसको ना, आप देखना कितना प्यारा लुक आएगा। और बहुत कम ब्लैक के साथ जब भी काम करें तो बहुत संभल के करना पड़ता है, बहुत ही कम कम शेड उठाएं और बहुत ही एहतियात के साथ से लगाएं। ठीक है, अच्छा जी, हाइलाइटर की मैं आपको थोड़ा सा बोलना भूल गई कि मैं दो हाइलाइटर मिक्स करके अप्लाई करती हूँ। तो मैंने जस्ट पहले जो था वो चिक्स पर अप्लाई किया, अब मैं पूरे फेस पर, मतलब नोज़ पर, लिप पर, चिन पर जो बोन होती है उस पर और फोरहेड पर। ठीक है, मैंने यहाँ अब देखें अप्लाई, और मुझे फिंगर के साथ बहुत ईजी लगता है ये हाइलाइटर वगैरह लगाना, तो मैं फिंगर से लगाती हूँ। आपको ब्रश के साथ आसानी होती हो तो आप लगा लेना। अच्छा जी, ये एक नई सी चीज़, नई सी तो खैर नहीं, ये है लिपस्टिक पैलेट। ये फरा मैम ने हमें आइडिया किया था, तो हमने ना मैंने उन्हें फॉलो करके ये चीज़ बनाई अपने लिए, और बहुत ही इजी हो जाता है इससे गाइस काम। तो मैंने लिपस्टिक को मेल्ट करके इस तरह का एक पैलेट बना लिया। फरा खान ने जो था ये सजेस्ट किया था कि ये किया करो, तो सैलून में जब काम ज़्यादा होता है तो बहुत ईजीली काम हम कर सकते हैं। अब ये मैं बना रही हूँ एक शून्य मुन्ने छोटे से ब्रश से लिप की जो लाइन, लिप पहले लाइन बना लो ताकि आपको रहे कि हाँ हमने इसी हद में रह के काम करना है और फिक्स करना है, लिपस्टिक लगानी है। क्योंकि लिपस्टिक और लाइनर ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर मिस हो जाएं तो हमारा सारा काम ख़राब हो जाता है। देन मैंने लास्ट में लिपस्टिक को है फिक्स कर दिया, और फिक्सर जो लगा देते हैं तो वो बहुत बेस्ट रहती है ना, वो हटती भी नहीं है और सही रहती है। ग्लोज वगैरह होते हैं, अच्छे भी लगते हैं इनके शेड्स। तो यहाँ मेरा लुक होता है फाइनल। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी और कुछ समझ आया होगा। अगर आप बिगनर्स हैं या न्यूली पॉलर रन कर रहे हो तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो। ये रहा मेरा फाइनल लुक। लाइट चली गई थी गाइस, तो इस तरह से फ्लैश में ऑन हमें रिकॉर्ड करना पड़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।